तो सीखने के बाद जब आप रिविज़न करवा रही हैं तो आपको अलग अलग वर्कशीट बनाने की ज़रूरत नहीं है यानी कि नाउन के लिए कुछ सेंटेंसेस जहाँ पे नाउन आइडेंटिफाई करना होता है प्रोनाउन के लिए कुछ वर्कशीट जहाँ पे उसको ही शी इट आइडेंटिफाई करना होता है वर्ब के जो एक्शन वर्ड्स है वो आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से वर्कशीट एडजेक्टिव के लिए अलग से वर्कशीट तो इस तरह से अलग अलग रिविज़न के लिए अलग अलग वर्कशीट आप बनाने की जहमत मत करिए एक ही वर्कशीट में ये सारी चीज़ें आप उनको प्रैक्टिस करवा सकते हैं यहाँ पे एक वर्कशीट जो आपको हेल्प करेगी इन सारी चीज़ों को एक साथ रिविजन कराने में एक साथ बच्चे की टेस्ट लेने में क्योंकि तो मेरा बेटा क्लास वन में है उसने सिर्फ ये चार चीज़ें सीखी हैं अगर आपका बच्चा क्लास टू क्लास थ्री में है तो और जो भी उसने सीखा है जैसे कि एडवर्ब उसने सीखा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे है कलर कोडिंग रिलेटेड वर्कशीट जहाँ पे जब भी उसने नाउन देखा है सेंटेंस में उसको उस वर्ड को ब्लू से हाईलाइट करना है प्रनाउन को ऑरेंज से हाईलाइट करना होगा वर्ब को पिंक से और एडजेक्टिव को ग्रीन से आप चाहे तो सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए भी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग uh, बनाने के लिए आप कलर्स यूज करिए तो यहाँ पे है सी सेंटेंसेस मैंने कुछ ट्वेंटी सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं सिंपल से जिसमें जो सारे नाउन्स है प्रोनाउंस है मैंने कवर किया है वर्ब्स मैंने कवर किया है एडजेक्टिव जो उसने सीखी है उसकी क्लास नोटबुक से या टेक्स्ट बुक से वो भी uh, मैंने कवर किया है तो यहाँ पे दे आर प्लेइंग क्रिकेट दे आर वो क्रिकेट खेल रहे हैं सो so, यहाँ पे दे हो, होगा प्रोनाउन प्रोनाउन के लिए है ऑरेंज तो वो कलर पेंसिल हाइलाइटर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लेगा और दे को इस तरह से वो हाईलाइट कर देंगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड इस सेंटेंस में है प्लेइंग प्लेइंग इज अ वर्ब यानी एक एक्शन वर्ड है ये एंड दिस इज पिंक तो पिंग उसको यहाँ पे हाईलाइट करनी है इस तरह से प्लेइंग ओके, देन क्रिकेट ये एक नाउन है तो इसको हम करेंगे ब्लू कलर तो इस तरह से आप सेंटेंस में बच्चे को हाईलाइट करने के लिए कहिए जो भी वर्ड वो देख रहे हैं आइदर इट इज नाउन और प्रोनाउन और वर्ब और एडजेक्टिव दे हैव टू कलर इट हाईलाइटेड जो आपने कलर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं वो कलर से उनको आइडेंटिफाई करना है और हाईलाइट करनी है बहुत सिंपल सी सेंटेंसेस है इन सेंटेंसेस को लिखने में भी बहुत टाइम लगता है क्योंकि हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बच्चे को नहीं दे सकते uh, अभी मेरा बेटा क्लास वन में है तो उसके लिए मैंने सिंपल सेंटेंसेस दी है आप चाहे तो थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस दे सकते हैं अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं अगर आपको इस वाली वर्कशीट इस तरह की वर्कशीट नहीं भी बनानी है तो एक और आइडिया है कि आप जब बच्चे को लेसन पढ़ने के लिए, के लिए कहते हो जैसे कि मेरा बेटा डेली एक पैराग्राफ रीडिंग करना होता है उसको इंग्लिश टेक्स्ट बुक से तो जब वो रीड कर रहे हैं उस वो उस पैरा में उसको आइडेंटिफाई करने होता है यानी आप भी बच्चे को जब रीड कर रहे हैं लेसन रीड कर रहे हैं तब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहिए कि कौन से नाउन है कौन से प्रोनाउन है कौन से वर्ब्स है या कौन से एडजेक्टिव्स हैं एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जनरली हम कन्फ्यूज हो जाते हैं एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स में एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ गीतास पेंसिल इज़ बिग पेंसिल यहाँ पे नाउन है एक थिंग है और ये येलो है हम नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो येलो यहाँ पे एडजेक्टिव होता है एडवर्ब एक और चीज़ होती है जो बच्चे क्लास टू में जाके सीखते हैं वो अलग होता है एडजेक्टिव से सो so, ये वर्कशीट सिर्फ नाउन प्रोनाउन वर्ब एंड एडजेक्टिव के लिए है इसका स्क्रीनशॉट आप अभी इस यहाँ से ले लीजिए सो दैट आपको हेल्प मिले सेंटेंसेस लिखने में सेंटेंसेस लिखना चैलेंजिंग होगा क्योंकि हमें सिंपल सेंटेंसेस देनी है छोटे बच्चों को मुझे भी बहुत टाइम लगा इस शीट को बनाने में सो so, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा अगर आपको ये वर्कशीट हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video. Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.